हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम आपको करंट अफेयर्स का इंग्लिश वर्जन भी आपको अवेलेबल कराएंगे। तो आज हम आपके सामने आए हैं इंग्लिश वर्जन लेकर के करंट अफेयर्स का, इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी 2020 टू सितंबर 2020। हमने अपने पहले के वीडियो में भी बताया था कि जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है वो बहुत ज्यादा पीछे से भी नहीं पूछा जाता है और बहुत ज्यादा करंट भी नहीं पूछा जाता है। तो हमने जो इसी को ध्यान में रख करके जनवरी से करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया है और सितंबर तक आपको करंट अफेयर्स अपडेट कराएंगे। वैसे मैं 15 बता दूं, 15 सितंबर के बाद का करंट अफेयर्स, क्योंकि उस समय तक पेपर्स मॉडरेट होकर के और इसके बाद फाइनल स्टेज में चला जाता है, तो उसके अमूमन सितंबर का करंट अफेयर्स आपसे बहुत मुश्किल से पूछा जाएगा। अगर किसी करंट अफेयर्स का रिलेशन पहले किसी मंथ से है या किसी चीज का डिसीजन किसी पिछले मंथ में लिया गया था और उसका इम्प्लीमेंटेशन सितंबर में हो रहा है तो शायद पूछ लिया जाए, अन्यथा ये इस तरह से पूछा नहीं जाएगा। हमने अपने पूरे लेक्चर को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है, जैसा हिंदी मीडियम में भी मैंने किया था। जनवरी, फरवरी और मार्च को एक साथ मैंने सेगमेंट में डिवाइड किया है, अप्रैल, मई और जून को दूसरे सेगमेंट में, और जुलाई, अगस्त और सितंबर को तीसरे सेगमेंट में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए एक चीज और आपको बता दें कि आप जब भी इस लेक्चर को सुन रहे होंगे तो हमारी ये राय है कि आप कम से कम रेफरेंस के लिए या जानकारी के लिए आप हिंदी मीडियम वाले लेक्चर को भी जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स, ऐसे तथ्यों को जो कि हिंदी मीडियम में कवर किए थे और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो उनको इंग्लिश मीडियम में हमने कवर किया है। नहीं तो अमूमन दोनों में थोड़ा सा फैक्ट्स का, चूंकि उसमें हमने सिर्फ इकोनॉमी के पोर्शन को लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा डिटेल करते हुए बैंकिंग पोर्शन को भी इंक्लूड करने की कोशिश किया है। तो उसमें इकोनॉमी पोर्शन थोड़ा सा विस्तार में है, इसमें इकोनॉमी और बैंकिंग थोड़ा सा कंसाइज है। तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप दोनों वीडियो को सुनिए और परीक्षा की तैयारी को अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में अंतिम रूप दीजिए। मैंने कंसाइज करने की बहुत कोशिश किया है जिससे आपको उसी फैक्ट से गुजरना पड़े जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी 2020 से। फर्स्ट फैक्ट इज आरबीआई लॉन्चेस मनी एप्लीकेशन फॉर विजुअली चैलेंज्ड। मनी एप्लीकेशन, मनी इज मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, नोट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है आरबीआई ने, नाम उसको दिया गया है मनी। ऑन जनवरी 1, 2020 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द मनी एप्लीकेशन फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन टू आइडेंटिफाई न्यू करेंसी नोट दैट वेयर लॉन्च आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 2016 में हुआ था, आपको ये याद रखना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन की हाइलाइट्स क्या क्या है? मनी एप्लीकेशन स्कैन करेंसी नोट्स यूजिंग कैमरा एंड गिव्स ऑडियो आउटपुट इन हिंदी एंड इंग्लिश। यानी ये जब आप कैमरा को उस नोट पर फोकस करेंगे तो उसको स्कैन करेगा, स्कैन करके उसको जो भी होगा वो ट्रांसलेट करके आपको इस बोल करके बताएगा हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में जो आप चूज करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च सेवरल करेंसी नोट्स अंडर महात्मा गांधी सीरीज, hence the application has been launched to help visually aided in easily identifying the notes. However, the application does not detect genuine or counterfeit notes. ये application आपको बता दें कि अगर ये इस बात का पहचान नहीं करता है कि ये असली है या नकली है, जो महात्मा गांधी सीरीज की नोट है उसी की पहचान करता है। आप जानते हैं कि इसके पहले दो सीरीज जारी की जा चुकी है, 1996 के पहले जो सीरीज जारी होती थी उसको लायन कैपिटल सीरीज कहते थे, और 1996 के बाद महात्मा गांधी सीरीज की नोट जारी करना शुरू किया गया था। तो 1996 में महात्मा गांधी सीरीज लायन कैपिटल सीरीज को आरबीआई ने रिप्लेस करके महात्मा गांधी सीरीज को प्रिंट करना शुरू किया है। तो ये जो मनी एप्लीकेशन ऐप है
ये महात्मा गांधी सीरीज के नोट की को आइडेंटिफाई करता है कि ये कितने रुपए का नोट है, उसको स्कैन करेगा, स्कैन करके इसके बाद उसको आउटपुट, क्योंकि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको ये थोड़ा सा जो है उनको ये सुनना, उनको सुना करके वो बताएगा कि ये कितने रुपए का नोट है, लेकिन ये करेक्ट नोट है या फर्जी नोट है इसकी ये पहचान बिल्कुल नहीं करता है। हमने आपको महात्मा गांधी सीरीज और लाइन कैपिटल सीरीज के बारे में बताया। इंटेग्लियो प्रिंट, इंटेग्लियो प्रिंट का मतलब ये होता है कि जब उसमें जो नोट होती है, नोट को आप छू करके देखिए तो उसमें कुछ उभार करके होता है, उभार कुछ ऐसे बना होता है, उसका हर नोट पर एक डिजाइन होता है, तो ये जो उभार होता है छू करके आप पहचान सकते हैं, उसको देख सकते हैं, आपको महसूस होगा कि यहाँ पर कुछ उभार है, उसी को इंटेग्लियो प्रिंट कहते हैं। तो इंटेग्लियो इज रेड सेफ दैट प्रेजेंट इन ऑल नोट्स अदर देन रूपीज 10, 10 रुपए के नोट में नहीं होता, उससे ऊपर के नोट में होता है, 20 रुपए के नोट में वर्टिकल रेक्टेंगल होता है, जबकि 50 रुपए के नोट में स्क्वायर बना होता है, छू करके देखिए तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा, 100 रुपए के नोट में एक ट्रायंगल मिलेगा, और 500 रुपए के नोट में एक सर्किल मिलेगा, और 2000 रुपए के नोट में ये उभरा हुआ एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल होगा जिसको छू करके आप महसूस कर सकते हैं। तो जो छू करके आप देखते हैं, जो उभरी प्रिंट, उभरी हुई प्रिंट होती है, उसी को इंटेग्लियो प्रिंट कहते हैं। ये नोट की प्रिंटिंग का सबसे स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है जिससे उसकी ऑथेंटिसिटी को आप पहचान सकते हैं। दूसरा फैक्ट है ई-क्रय ऑक्शन प्लेटफॉर्म फॉर एसेट्स अटैच्ड बाय बैंक्स। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च्ड ई-विक्रय आर ई-बी-क्रय एंड ई-कॉमन ऑक्शन प्लेटफॉर्म टू इनेबल ऑनलाइन ऑक्शन ऑफ अटैच्ड एसेट्स ट्रांसपेरेंटली एंड क्लीनली फॉर द इंप्रूव्ड रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू बाय बैंक्स। द ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म इज नाउ लिंक्ड ऑन इंडियन बैंक ऑक्शन मॉर्गेज प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन पोर्टल एंड गाइडलाइंस हैव बीन मेड अवेलेबल। हम आपको इसका एक संक्षेप में बता देते हैं कि जो भी आप कोई भी लोन लेता है तो उसके लिए किसी भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना पड़ता है। उस मॉर्गेज हुई प्रॉपर्टी को अगर मान लीजिए आप लोन चुकाने में असमर्थ हैं तो उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बैंक क्या करता है, बेचता है, उसकी नीलामी करता है। किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो आपका घर हो या कोई दूसरा एसेट्स हो या गोल्ड हो, कोई भी जो भी आपने मॉर्गेज किया हुआ, जिस एसेट का भी आपने मॉर्गेज किया हुआ है लोन लेने के लिए, अगर आप लोन चुकाने में असमर्थ हैं तो बैंक उस एसेट को बेच करके, उसकी नीलामी करके उस लोन की भरपाई करता है। तो उस नीलामी की ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए, उस नीलामी की ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ई विक्रय ऑक्शन प्लेटफॉर्म को बैंक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है। कुल मिलाकर के इसका यही सीधा सीधा मतलब है। ई विक्रय प्लेटफॉर्म इट विल प्रोवाइड ए नेविगेशन लिंक टू ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ई ऑक्शन साइट्स, प्रॉपर्टी सर्च फीचर्स एंड विल प्रेजेंट सिंगल विंडो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉपर्टीज अप फॉर ई ऑक्शन, कंपैरिजन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी एज वेल एज कंटेंट्स, वीडियो एंड फोटोग्राफ्स ऑफ अपलोडेड प्रॉपर्टी। यानी इस जब प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, ई विक्रय प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, तो पब्लिक सेक्टर के किस बैंक में कौन सी प्रॉपर्टी अटैच है, उससे उसका कितना प्राइस है, उसकी फोटोग्राफ क्या है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी इस पर अपलोड रहेगी। और उसी तरह की प्रॉपर्टी, जैसे अगर मान लीजिए होम है, घर है, तो जिस प्राइस में वो घर है उसी प्राइस की कैटेगरी का कोई दूसरा घर भी अवेलेबल है क्या, क्योंकि देखिए हर आदमी चूज करके, किसी भी प्रोडक्ट को चूज करके ही प्रोडक्ट को खरीदता है। तो आप कंपैरिजन करने के लिए इस पे आप कि SBI में अगर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो इस तरह की कोई प्रॉपर्टी पंजाब नेशनल बैंक में या दूसरे और बैंकों में अवेलेबल है कि नहीं है, आप इसका भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सीधा सा है कि ये मॉर्गेज हुई प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसपे आप जाकर के ऑक्शन होने वाली प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी जुटा सकते हैं।
इसकी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अवेलेबल होती है, बैंक वाइज डिटेल भी अवेलेबल है, स्टेट वाइज डिटेल भी अवेलेबल है, जिस तरह से भी आप इसको सर्च करना चाहें ये सारी डिटेल इस पर अवेलेबल रहती है। थर्ड फैक्ट इज इंडिया टू सेट स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन एसेंशियल इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। चाइना से नॉन एसेंशियल कमोडिटी की इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 371 आइटम्स को इन्होंने चूज किया है कि इन सारे आइटम्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, चाइना से इनके इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। यानी इनके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज अनाउंस दैट 371 आइटम्स फ्रॉम चाइना विल गेट स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम मार्च 2020। द मूव एम्स एट कर्विंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम्स सच एज प्लास्टिक गुड्स, टॉयज, फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स। इसका कारण यह होता था कि मैं आपको बता दूं, होम कंट्री के जितने भी मैन्युफैक्चरर थे, खास करके प्लास्टिक गुड्स, प्लास्टिक आइटम बनाने वाले, टॉयज, फर्नीचर और स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाले जितने भी मैन्युफैक्चरर थे, वो चाइना के प्रोडक्ट से कंपीट नहीं कर पा रहे थे। उनकी कॉस्ट काफी कम पड़ती है, उनकी प्राइसेस काफी कम थी और होम कंट्री के जितने भी मैन्युफैक्चरर थे वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का मूव लॉन्च किया गया है। करेंटली देयर आर 370 स्टैंडर्ड्स फॉर इंपोर्ट्स। इंडिया प्लान इज टू इंक्रीज इट टू 5,000 इन द सेकेंड फेज। द मूव विल हेल्प बूस्ट द लोकल इंडस्ट्रीज एंड हेल्प इंडियन कंज्यूमर्स गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। द नॉन एसेंशियल कमोडिटीज इंपोर्ट्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल, केमिकल्स, हैवी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, स्टील प्रोडक्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा। अपार्ट फ्रॉम ट्रेड रिलेशन विद चाइना, इंडिया इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जापान एंड साउथ कोरिया, दैट इंजॉयज फ्री एक्सेस टू इंडियन मार्केट। द स्टेप इज बींग कंसिडर्ड टू बूस्ट डोमेस्टिक गुड्स। यही हमने आपको बताया था। नेक्स्ट फैक्ट इज MOU बिटवीन रेलवे एंड SBI फॉर डूर स्टेप बैंकिंग। ऑन January 14, 2020, द साउथ सेंट्रल रेलवे एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइंड MOU टू इंप्लीमेंट डूर स्टेप बैंकिंग इन 585 रेलवे स्टेशन। हाईलाइट ऑफ दिस MOU इज द MOU विल इनेबल डायरेक्ट पिकअप ऑफ कैश फ्रॉम ऑल द रेलवे स्टेशन इंक्लूडेड इन द MOU बिफोर द एग्रीमेंट। द अर्निंग्स जनरेटेड एट द रेलवे स्टेशन were manually sent to nearest bank that were authorized to collect the deposit on behalf of the railway. This delayed the remittance of cash because of several factors such as availability of manpower, holidays, etc. देखिए, टिकट तो रोज बिकता था, होता क्या था, आप जो कैश होता था वो नियरेस्ट ब्रांच को ही भेजी जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि नियरेस्ट ब्रांच को उस दिन नहीं भेजी जाती थी जब तक टिकट बिका, तब तक बैंक बंद हो गया, या कई बार मैन पावर अवेलेबल नहीं है, या छुट्टियां पड़ गई। रेलवे में तो छुट्टी नहीं है, रेलवे में तो रोज काउंटर पर सेल हो रहा है, बैंक में छुट्टी हो गई, अब ऐसे में पैसा जमा नहीं हो पा रहा था। तो अच्छा, अब ये हो सकता था कि डायरेक्ट बैंक को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये पॉसिबल तो तभी हो सकता था कि जब आप ऑनलाइन टिकट ले रहे हैं। ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो वो पैसा कट करके सीधे बैंक में चला जाता है, लेकिन अगर आप रेलवे के काउंटर से ले रहे हैं तो ऐसे में वो पैसा तो काउंटर पर जमा होगा और काउंटर से ही जाकर के बैंकों में जमा हो पाएगा। अभी भी इंडिया में लगभग 54% टिकट जो है वो 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 में 54% टिकट जो था वो काउंटर से बिकते थे एज कंपेयर टू ऑनलाइन। तो 2018 में भी इसमें 14% की ग्रोथ आ गई। मतलब आप समझिए कि ऑनलाइन टिकट की बिक्री घटने के काउंटर से टिकट बिक्री घटने के बजाय बढ़ती ही गई, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई सिस्टम सब बढ़ते गए। एक्सेप्ट ऑल दिस, ऑनलाइन टिकट की बिक्री उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही, जिस रेट उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हो रही है जिस तेजी से काउंटर टिकट की बिक्री इंक्रीज हुई है। तो इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने, इंडियन रेलवे ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया है।
नेक्स्ट फैक्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लॉन्च पूर्वोदय टू एक्सेलरेट ईस्टर्न इंडिया डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये पूर्वोदय योजना है। पूर्वोदय क्या है? On January 10, 2020, the Ministry of Steel announced that it will launch Purvoday, a world-class steel hub. The hub aims at an accelerated development program of eastern states. The ministry will be joined by Confederation of Indian Industries (CII). Full form is Confederation of Indian Industries in the implementation of Purvoday. अब पूर्वोदय है क्या? इसके बारे में जान लीजिए। The initiative aims at developing the eastern states through an integrated steel hub. The steel hub will create 2.5 million jobs in the region. It will create world-class logistics and infrastructure. This will also help in achieving India's steel policy target of 300 metric ton by 2030. So far, 12 major steel zones has been identified under the initiative in the region. Why this eastern states for the Purvoday Yojana? The five eastern states, ये पांच eastern state पूर्वोत्तर के राज्यों को ही क्यों लिया गया है, उसका कारण क्या है? The five eastern states, namely West Bengal, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, and Northern Andhra Pradesh are extremely rich in coking coal, bauxite, and dolomite reserves. The region has also major parts such as Haldia, Paradip, Kolkata, and Vizag. These are the ports by which you can export the product and import the raw materials from the foreign. तो आप raw material को इसको export भी कर सकते हैं, raw material मंगा भी सकते हैं, या भी जो भी transportation के लिए ये हल्दिया, पारादीप, कोलकाता और विजाग ये पूर्वोत्तर में ही स्थित है, इनके माध्यम से transportation भी easily हो सकता है. Therefore, setting up a steel hub in the region will help India achieve its $5 trillion economy target fast. The region has potential to add 75% of country's incremental steel capacity. The next fact is Northeast Natural Gas Pipeline Grid. On January 8, 2020, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved the Northeast Gas Pipeline Grid. The pipeline is to be constructed for around 1656 km. Highlights of this gas pipeline grid is the gas pipeline grid is to be developed in 8 states of the northeast region, namely Manipur, yahi important hai aapko, Manipur, Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Sikkim, Nagaland and Tripura. The project is a joint venture of 5 public sector units, namely ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, IOCL, yani Indian Oil Corporation Limited, OIL, yani Oil India Limited, GAIL, yani Gas Authority of India Limited and NRL, Numaligarh Refinery Limited. ये पांच public sector के जो companies हैं, इनका ये joint venture है. क्या है? North East Natural Gas Pipeline Grid. The joint venture has been named. ये बड़ा important है, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा. IGGL. इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, यही इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा प्लीज. नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड का नाम दिया गया है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव रुपीज 559 करोड़ फंडिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रिड. द ग्रिड विल कनेक्ट मेजर सिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नेमली गुवाहाटी, ईटानगर, कोहिमा, दीमापुर, ऐजवाल, इम्फाल, शिलोंग, अगरतला, सिलचर, नुमालीगढ़ एंड गैंगटोक. दीज आर द सिटीज विच विल दिस ग्रिड विल कनेक्ट दीज सिटीज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. चलिए एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे के कुछ पॉइंट्स को ही हमने कवर किया है. इकोनॉमिक सर्वे को आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़े होंगे, लेकिन अब इस समय चूंकि रिवीजन करने का टाइम है, तो हमने पूरे इकोनॉमिक सर्वे को फोकस नहीं किया है, बल्कि उसके कुछ मेन मेन पॉइंट्स जो आपको रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को यहां पर हमने कवर करने की कोशिश किया है. अब की बार इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी को पेश किया गया था, आपको मालूम होगा.
और ये इकोनॉमिक सर्वे फिजिकल ईयर 2020 के लिए होता है। जब बजट 2020-21 के लिए पेश किया जाएगा तो इकोनॉमिक सर्वे 2020 का होगा। 2019-20 के लिए अगर बजट पेश किया जाएगा तो इकोनॉमिक सर्वे 2019 का होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो करंट ईयर के लिए होता है, यानी पिछले साल जो आपने बजट में प्रोविजन किया था उसी का सर्वे पेश किया जाता है करंट ईयर में इकोनॉमिक सर्वे में। तो यानी पिछले 12 महीने के जो आपने प्रोविजन किए थे पिछले बजट में उन्हीं का मेन सर्वे, उसी का हाईलाइट जो होता है, उसकी आउटकम क्या रहा, उसका रिजल्ट क्या रहा, यही इकोनॉमिक सर्वे में प्रेजेंट किया जाता है। तो हाईलाइट्स क्या क्या है इकोनॉमिक सर्वे की, द करंट फिजिकल ग्रोथ इज 5%, यानी 2020 की बात की जा रही है, 2019-20 जो बजट बनाया गया था जिस टाइम के लिए आपका इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है। सेकंड इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉर द 2020-21 इज 6% to 6.5%, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था। लेकिन इसके बाद आप जानते हैं 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था और ये प्रोजेक्शन किया गया था, लेकिन मार्च में कोविड आ गया और इसके बाद कोविड का इतना ज्यादा प्रभाव हुआ कि वो अभी तक अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। तो आप ये जो ग्रोथ रेट की बात की गई थी वो उस समय जनवरी में की गई थी, अभी तो आपकी ग्रोथ रेट निगेटिव चल रही है। द इंडस्ट्रियल ग्रोथ फॉर द फिजिकल ईयर हैज बीन 2019-20 की बात की जा रही हैज बीन 2.5% एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ फिजिकल ईयर 2019 यानी 2008-09 वाज 18-19 वाज 461.2 बिलियन यूएस डॉलर। द जीएसटी कलेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 हैज ग्रोन बाय 4.1%। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस इकोनॉमिक सर्वे इज द थीम। थीम इज द वेल्थ क्रिएशन, प्रमोशन ऑफ प्रो बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेंथिंग ऑफ ट्रस्ट इन द इकोनॉमी, दिस इज द थीम। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा, फिर से पढ़ दे रहा हूं आपको थीम। वेल्थ क्रिएशन, प्रमोशन ऑफ प्रो बिजनेस पॉलिसीज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ट्रस्ट इन द इकोनॉमी। सिग्निफिकेंस इज द इन्वेस्टमेंट ग्रो बिटवीन 2008 and 2013। After 2013, the credit money inflow towards the economy of investment has been slowing down. The year 2013 saw the highest investment between 18-19, mainly due to the corporate sector. The credit has been declining mainly due to global scenario of economic slowdown. This decline of investment is the major reason for the economic slowdown after 2017. जबकि सरकार के ऊपर ऐसा आरोप लगता है कि जो 2017 के बाद जो स्लो डाउन आया है वो नोटबंदी के कारण आया है। तो सरकार ने इस इकोनॉमिक सर्वे में अपनी इसी बात को थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश किया है कि नहीं, नोटबंदी की वजह से स्लो डाउन नहीं आया है, बल्कि दिस स्लो डाउन इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो ऑफ द इकोनॉमिक स्लो डाउन। देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू क्रिएट वेल्थ, इन अदर वर्ड्स टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, which will add in long term economic growth according to survey. तो create wealth करने का इसीलिए theme में देखिए लिखा गया है wealth creation, इसीलिए theme रखा गया है कि investment को increase किया जाए और long term economic growth को accelerate किया जाए, बढ़ाया जाए। Infrastructure की स्थिति क्या रही है, the survey says that in order to achieve 5 trillion US dollar economy by 2024-25, India has to spend 1.5 trillion US dollar. This has to be done to avoid the constant lack of infrastructural growth in the path of India's target. यानी अगर आपको 2024-25 तक जो टारगेट रखा गया है 5 trillion डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए, अगर इस 5 trillion डॉलर की इकोनॉमी के टारगेट को अचीव करना है तो आपको 1.4 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब पशुधन होता है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे लाइव स्टॉक हैज बिकम ए मेजर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर रूरल फैमिलीज, यानी प्राइमरी जो सोर्स है वो है एग्रीकल्चर और सेकेंडरी सोर्स क्या है, पशुधन। ये तो जानते ही हैं भाई, ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन जो होता है, उनके जो पशु होते हैं वही उनका धन माना जाता है, उसी से वो
सेल करते हैं, गाय भैंस को सेल करते हैं, उससे पैसा अर्न करते हैं। तो ऑल दिस इज दिस हैज गेन्ड द सेक्टर ए मेजर रोल इन अचीविंग इंडियाज गोल ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2020। द ग्रोथ ऑफ लाइव स्टॉक हैज बीन 7.9% इन द लास्ट 5 ईयर्स। ये मतलब पशुधन के का जो ग्रोथ रहा है वो 7.9% रहा है पिछले 5 सालों में। अगला है ग्रीन इंडिया। द सर्वे ऑल्सो सेज दैट द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स हैज रीच्ड 80.73 मिलियन हेक्टेयर्स। आप देख लीजिए 80.73 मिलियन हेक्टेयर्स। दिस इज 24.56% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। यानी टोटल जो आपका जियोग्राफिकल एरिया है उसका 80.73 यानी करीब 25% 24.5% कह सकते हैं 24.56% यानी 80.73 मिलियन हेक्टेयर वो क्या है, फॉरेस्ट कवर है। एक चौथाई आपका जितना भी क्षेत्रफल है उसका एक चौथाई फॉरेस्ट कवर है। द स्टेट्स, ये गुड साइन है। द स्टेट्स हैव गेन्ड फॉरेस्ट कवर आर कर्नाटका। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में। ये ऐसे 3 स्टेट हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा। ऑन द अदर हैंड द स्टेट शोइंग डिक्लाइन इन फॉरेस्ट आर मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। देखिए ये हिल स्टेट है, इसके बावजूद यहाँ पर फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हो रहा है। हो सकता है कि लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहां पर फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं, खेत बना रहे हैं, लोग वहां पर जाकर के बस रहे हैं, तो इसका एक कारण हो सकता है फॉरेस्ट डिक्लाइन वहां पर हो रहा है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण मिशन है सरकार का, आयुष्मान भारत। द स्कीम प्रपोज टू सेट अप 1.5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बाय 2020। सो फार एज 28,005 HWC हैव सेट अप एज 14 जनवरी 2020। HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैज बीन सेट अप इन बाय 14 जनवरी 2020 तक आयुष्मान भारत के तहत। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 64.2% इन 13-14 टू 58.7% इन 16-17। डेटा काफी पुराना है लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में चूंकि चर्चा किया गया है तो ये हम लोगों को याद रखना तो पड़ेगा ही। जॉब क्रिएशन की बात कर लेते हैं। जॉब क्रिएशन ऑफ सैलरीड इंप्लॉइज आर रेगुलर बेस इंप्लाइज इंक्रीज बाई 5% इन 2017-18 एज कंपेयर टू 2011-12। द जॉब्स इंक्रीज वाज 18% इन 11-12 एंड इंक्रीज बाई 23% इन 17-18। अराउंड 2.6 करोड़ न्यू जॉब्स वेयर क्रिएटेड। दिस इंक्लूडेड 1.21 करोड़ इन रूरल एंड 1.39 करोड़ इन अर्बन एरियाज। अभी तो जॉब की कंडीशन तो बहुत खराब है कोविड की वजह से। ग्रीन बॉन्ड मार्केट, हम इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं तो ग्रीन बॉन्ड मार्केट की बात कर रहे हैं। इंडिया हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट आफ्टर चाइना। इंडिया इन 2019 ज्वाइंड द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस टू इंक्रीज द एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। द सर्विस सेक्टर अकाउंट्स टू 55% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द सर्वे। इट कंट्रीब्यूट्स 2/3 ऑफ एफडीआई इनफ्लोस एंड 38% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। अदर इन्फ्लुएंसेस आर द इन्फ्लेशन डिक्लाइन फ्रॉम 3.2% इन अप्रैल 2019 टू 2.6% इन दिसंबर 2019। यानी अप्रैल 2019 से में जो इन्फ्लेशन था वो 3.2% था जो घट करके दिसंबर 2019 में 2.6% हो गया है। इससे ये शो हो रहा है कि इकोनॉमी में डिमांड कमजोर पड़ रहा है। जब भी इन्फ्लेशन घटता है इसका मतलब डिमांड कमजोर पड़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब होता है डिमांड स्ट्रांग हो रहा, मजबूत हो रहा है, यानी डिमांड बढ़ रही है। इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड घट रही है तो इन्फ्लेशन घटेगा। Women employment between 11-12 and 17-18 has increased by 8%। यानी जो हम women participation की बात करते हैं वो बढ़ रहा है। तो चलिए अब हम लोग पहुंच गए फरवरी में। अब हम लोग फरवरी की बात कर लेते हैं। फरवरी में चूंकि अभी 31 जनवरी की बात हम कर रहे थे
और हम इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे थे। तो 1 फरवरी को ही बजट पेश किया गया था। तो चलिए बजट की कुछ हाइलाइट्स को हम लोग ध्यान में रख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर बजट पर बजट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड द बजट 2020-21 ऑन फरवरी 1, 2020। द बजट फोकस्ड ऑन एनहांसिंग परचेसिंग पावर ऑफ सिटीजंस एंड बूस्टिंग देयर इनकम्स। इट हैज आल्सो गिवन इंपॉर्टेंस टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ्स। द बजट 2020 हैज बीन फ्रेम्ड ऑन 2 मेन पिलर्स। वन इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स एंड सेकेंड इज इंक्लूसिव ग्रोथ। ये दो चीजें आप जरूर याद रखिएगा। बजट 2020 का जो बजट बनाया गया था उसमें दो खास चीजों को रखा गया था, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमने अभी आपको बताया था कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अगर के टारगेट को अचीव करना है तो $1.7 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में करना पड़ेगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था। अभी पीछे मैंने आपको बताया। तो इंक्लूसिव फंडामेंटल तो बजट में उसका प्रोविजन भी तो किया जाएगा ना, तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए बजट में मेन थीम रखा गया और इंक्लूसिव ग्रोथ को भी ध्यान में रखा गया। तो क्या क्या है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में, क्या क्या पॉइंट्स लिए गए थे? द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंक्लूड रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। The debt of the country has been reduced from 52.2% of GDP in 2014 to 48.7% of GDP in 2019. यानी जो debt था आपका, वो जो GDP का 52% था 2014 में, वो घट करके 48.7% पर हो गया 2019। बहुत ज्यादा 4% की गिरावट आई है, तो बहुत ज्यादा स्थिति में अंतर आया है ऐसा लगता नहीं है। फिर भी जीएसटी रिफॉर्म्स के अंदर के लिए कुछ कहा गया था बजट में। अंडर जीएसटी एन एवरेज हाउसहोल्ड सेव्स 4% ऑफ इट्स सेविंग्स। इन द ईयर 2019-20 6 लाख न्यू टैक्स पेयर्स वेर एडेड। 40 करोड़ ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड एंड 800 करोड़ इनवॉइस अपलोडेड ऑन 105 ईवे बिल्स हैव बीन जनरेटेड। जीएसटी हेल्प टू रिड्यूसिंग द टर्न अराउंड टाइम फॉर ट्रक्स बाई 20%। The inspector raj system has been vanished. Under this, the state and national permits, including road tax, fitness certificate, pollution certificates for trucks were removed. ये सब अब जो पहले जरूरत पड़ती थी कि fitness दिखाओ, pollution दिखाओ, ये सब अब सब हटा दिया गया है। Inclusive growth के लिए क्या कहा गया? The growth rate was 4% in 1950, 1950 में 4% का growth rate था। 80 में ये बढ़कर के हो गया 6%। And reached average of 7.4% in 2009 की बात ही नहीं की जा रही। 2009 में या 2004 की बात कर लो, 2004 में, 2005 में, 2000 उसके पहले तो 9.1% तक पहुंच गया था ग्रोथ रेट। चलिए खैर, सरकार बात करे उसी की हम लोग बात करेंगे। द इन्फ्लेशन फॉर द पीरियड 2014-19 स्टूड 4.5%। Around 271 million people were brought out of poverty in 2016 to 2016। 2006 से लेकर 2016 तक 271 million people को गरीबी से बाहर निकाला गया था। Budget was presented in on 3 themes. Themes of the budget क्या क्या था? Themes में थे aspirational India, economic development and caring society। ये तीन इसके थीम थे, इसको याद कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी। अंडर एस्पिरेशन इंडिया द बजट कवर्ड एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन। ये एस्पिरेशनल इंडिया के अंदर कवर किया गया था। अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रीज एंड स्किल डेवलपमेंट वेयर फोकस्ड। एंड अंडर द केयरिंग सोसाइटी, टूरिज्म, कनेक्टिविटी, वल्नरेबल एंड ओल्ड पॉपुलेशन दे आर फोकस्ड। तो ये इंपॉर्टेंट भैया, इसको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, ये इतना पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको खूब ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपको अपने पास सुरक्षित रखना है एक नजर देख लीजिएगा। चलिए अगले फैक्ट की बात कर लेते हैं। असेंबल इन इंडिया मॉडल टू क्रिएट 8 मिलियन जॉब्स। असेंबल इन इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया था वैसे अब कहा गया असेंबल इन इंडिया।
द मॉडल विल हेल्प ऑल्सो इन अचीव इट्स $5 trillion इकोनॉमी टारगेट. न्यू आइडिया है 80 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करने के लिए इसको शुरू किया गया था. द सिंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड शुड बी इंटीग्रेटेड विद मेक इन इंडिया. दिस विल इंक्रीज एक्सपोर्ट मार्केट शेयर बाय 3.5% इन 2025 एंड 6% इन 2030. तो असेंबल इन इंडिया, आप मेक इन इंडिया तो यही है, लेकिन चूंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में असेंबलिंग होती है तो उसको आप, या मोबाइल में भी असेंबली ही होता है, पार्ट्स आप कहीं कहीं से भी लाइए, पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी हो रही है लेकिन उसको लाइए इंडिया में असेंबल करिए और बेचिए, एक्सपोर्ट कर दीजिए. फर्स्ट बनाना कंटेनर ट्रेन टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स. पहला बनाना कंटेनर ट्रेन जो है वो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया. द न्यू पार्सल वैन वॉज डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर इन कपूरथला रेल पोस्ट फैक्ट्री. इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन लिंक हॉफमैन बुश, या LSB कोच कहते हैं जिसको, लिंक हॉफमैन बुश कोच के रूप में इसको डिजाइन किया गया है कपूरथला में. द पार्सल वैन इज टू रन एट हाई स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर. मालगाड़ी इतनी तेजी से चलती नहीं लेकिन इसको इतनी तेजी से चलाने की के लिए डिजाइन किया गया है. द ट्रेन इंक्लूड्स कोलैप्सिबल पार्टीशन एंड स्लाइडिंग डोर्स, यानी आप पार्टीशन से उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या उस पार्टीशन को हटा दीजिए, पूरा एक एक रैक पूरा बड़ा सा हो जाएगा वो, यानी उसको चाहे दो पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग माल लोड कर दीजिए, चाहे उसको पार्ट्स को हटा करके आप एक ही माल को लोड कर दीजिए. इतनी तेजी से इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि केला एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसकी टाइम स्पेंड बहुत कम होता है, तो इसीलिए इसको इतनी हाई स्पीड की ट्रेन में के लिए इसको डिजाइन किया गया है. द एपेडा APEDA एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अलोंग विद एक्सपोर्ट फर्म्स ट्रेंड 500 फार्मर्स टू कल्टीवेट बनाना इन मोर देन 1800 हेक्टेयर ऑफ लैंड. तो मतलब बनाना को एक्सपोर्ट करने की बात नहीं की जा रही बल्कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए और ज्यादा फार्मर्स को प्रमोट करने की भी बात की जा रही है. इसी के साथ आपको और बता दें, एक फ्रूट ट्रेन भी चलाई गई थी. ऑन जनवरी 30, 2020 इंडियन रेलवे लॉन्च द फर्स्ट फ्रूट ट्रेन. कहां से पूछा जाएगा ये फ्रूट ट्रेन कहां से बीच में थी, तो फ्रॉम अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश टू मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, यानी सीधे सीधे अनंतपुर जहां सबसे ज्यादा केला होता वहां से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक इस रेलवे को चलाया जा रहा है, इस ट्रेन को चलाया जा रहा है. द ट्रेन डिस्पैच द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ 890 टन ऑफ बनाना इन 43 रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स. दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट. आरबीआई सिंक्स फाइनेंशियल ईयर विद द फिजिकल ईयर. आपको यहां एक चीज बहुत मजेदार बात बता दें, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 30 मार्च को खत्म होता है, लेकिन कई बार ये IAS में भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था बहुत पहले, अभी तो इस बीच में नहीं पूछा गया था कि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है. तो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई को शुरू होता था और 30 जून को आकर के खत्म होता था, यानी दोनों के फाइनेंशियल ईयर में हमेशा डिफरेंस था. तो अभी आरबीआई ने 15 फरवरी 2020 को आरबीआई के बोर्ड की एक मीटिंग हुई और उस बोर्ड की 582 मीटिंग हुई, 522वां मीटिंग हुई, जिसमें इस बात का डिसीजन लिया गया कि अब हम अपने फाइनेंशियल ईयर को फिजिकल ईयर के साथ सिंक करेंगे, यानी जो आरबीआई का जो फिजिकल ईयर हुआ होता था उसको हम फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल ईयर के साथ सिंक करेंगे, यानी अब आरबीआई का भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को ही खत्म होगा. इंपॉर्टेंट है, नया चीज है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग. अभी तक आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता था वो 1 जुलाई को शुरू होता था, 30 जून को खत्म होता था. अब आरबीआई ने ये डिसीजन किया है कि हम इसको 1 अप्रैल को शुरू करेंगे और 31 मार्च को खत्म करेंगे. ये डिसीजन क्यों हुआ, इसका इस डिसीजन का बिमल जालान जो पूर्व गवर्नर थे आरबीआई के, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी इन द लीडरशिप ऑफ बिमल जालान, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि इसको सरकार के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके साथ सिंक कर दिया जाना चाहिए. चलिए अगले फैक्ट की बात कर लेते हैं.
आरबीआई लॉन्चेस 5 ईयर फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019-24। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी समावेशी वित्तीय समावेशन। द मेन मोटिव ऑफ स्ट्रेटजी इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज इन द अफोर्डेबल मैनर। द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशंस इंक्लूडेड इन द स्ट्रेटजी। द कमेटी हैज रिकमेंडेड यूनिवर्सल फाइनेंशियल एक्सेस। अंडर दिस एवरी विलेज विल हैव फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोवाइडर विद इन ए रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर। यानी कुल मिला के हम आपको सीधे बता दें कि अब सभी गाँव के 5 किलोमीटर के दायरे में अनिवार्यता एक बैंक खुलेगा, सीधा इसका मतलब यही है। द कमेटी हैज रिकमेंडेड फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस टू रीच ए लेस कैश सोसाइटी बाई 2020। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस हर बैंक अनिवार्यता शुरू करेगा, चाहे वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो चाहे वो सहकारी बैंक हो। लेकिन मुश्किल इस बात का है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी समितियों में खाता, वो सहकारी बैंक में खाता उन्हीं का होता है जो गाँव के गरीब होते हैं और उनमें साक्षरता इतनी ज्यादा नहीं होती वो फाइनेंशियल सर्विस का डिजिटल ऐप यूज कर सकें या वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतना ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकें। उनके साथ धोखाधड़ी तो ऐसे भी होती रहती है, सहकारी समितियों में चले जाइए, बहुत बुरा हाल है वास्तव में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बहुत बुरा हाल है और उस स्थिति में वो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का कितना उपयोग कर पाएंगे भगवान मालिक है। एवरी एडल्ट रजिस्टर्ड अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना शुड बी इनरोल्ड इन पेंशन स्कीम। जो भी जिनका भी प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खुला हुआ है वो अनिवार्य रूप से इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम में उनका इनरोलमेंट किया जाएगा। द पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री शैल बी मेड कंप्लीटली ऑपरेशनल बाय मार्च 2022। बड़ा मुश्किल है। चलिए अगले फैक्ट की बात कर लेते हैं। यूएस रिमूव्ड डेवलपिंग टैग फॉर इंडिया, व्हाट फॉर द इट्स इंप्लीकेशन। यानी भारत अब विकसित देश हो गया क्या, आपको यही लग रहा होगा पढ़ करके कि यूएस रिमूव डेवलपिंग टैग। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं कि यूएस का एक एक्ट है 1975 एक्ट, यूएस ट्रेड एक्ट, जिसके तहत वो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का एक दर्जा देता है, एक ऑथराइजेशन देता है और उसमें वो कहता है कि कौन कौन से देश डेवलपिंग कंट्री में आते हैं और उन डेवलपिंग कंट्रीज को वो क्या करता है, हेल्प करता है। किस चीज के लिए, उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराता है। तो अभी यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया है, करीब एक दर्जन देशों के साथ भारत का डेवलपिंग स्टेट का स्टेटस खत्म कर दिया है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि भारत अब डेवलप स्टेट हो गया, अब भारत को लिखेंगे भारत एक विकसित देश है, भारत इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी। नो, दिस स्टेटस हैज बीन रिमूव्ड ओनली फॉर द इंटरनल पर्पस आर फॉर गिविंग द फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिया बाई US ट्रेड एक्ट 1974, जिसमें US क्या करता था, इन डेवलपिंग इकोनॉमी के टैग वाले देशों को विशेष दर्जा देता था और इसने परमानेंटली खत्म कर दिया। ऐसा क्यों किया है मैं आपको ये भी बैकग्राउंड बता देता हूं। हमारा इंडिया का चाइना में हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं और जितना इंपोर्ट करते हैं, हम चाइना में एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। हम जितना इंपोर्ट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, उसका 45% अकेले चाइना से करते हैं। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर हम इंपोर्ट तो कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। यानी अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड हमेशा सरप्लस में रहता है। तो अमेरिका इसी सरप्लस को ध्यान में रखते हुए कि अब अमेरिका भारत से इंपोर्ट नहीं करेगा, वो अपने इसी इंपोर्ट को घटाने के लिए उसका जीएसटी टैग उसने हटा दिया, जीएसटी लिस्टिंग से हटा दिया। अब इस लिस्टिंग को हटाने से करीब 2000 आइटम्स जिनका 6.3 बिलियन यूएस डॉलर प्राइस होता है, ऐसे आइटम्स आर गेटिंग टू बी अफेक्टेड। उनके एक्सपोर्ट पर, उनको जो हमें अमेरिका को ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे, उनके एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। Although India is always trying very hard to इसको फिर से रिवोक करने के लिए कि वो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी जीएसपी स्टेटस को, कैटेगरी को फिर से रिवोक करे अमेरिका और
इस स्टेटस को भारत को फिर से वापस दे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी मच लॉस ऑन द एक्सपोर्ट. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, गोल्ड इंपोर्ट्स ऑफ 2019-20 डिप बाय 8.86% नैरोइंग करंट अकाउंट डेफिसिट टू 143 बिलियन यूएस डॉलर. ऑन मार्च 16, 2020 द कॉमर्स मिनिस्ट्री रिपोर्टेड द गोल्ड इंपोर्ट्स फॉर द पीरियड अप्रैल टू फरवरी 1920 हैज रिड्यूस्ड बाय 8.86%. अभी तक विश्व में सबसे बड़ा इंपोर्टर जो गोल्ड का है वो भारत में है. इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड. एज द गोल्ड इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री हैव बीन रिड्यूस्ड द ट्रेड डेफिसिट हैज रिड्यूस्ड 143.12 बिलियन यूएस डॉलर. इट वॉज अराउंड 173 बिलियन यूएस डॉलर ए ईयर एगो. गोल्ड इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया हैज बीन डिक्लाइनिंग सिंस दिसंबर 2009. बहुत गुड साइन है, अगर गोल्ड के प्रति हमारा मोह कम हो रहा है, इसीलिए भारत को गोल्डन सॉवरेन बॉन्ड लाना पड़ा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाना पड़ा. आप जानते हैं किसी गोल्ड के प्रति लोगों के रुझान को देख करके. ऑन एवरेज इंडिया इंपोर्ट्स 800-900 टन ऑफ गोल्ड एनुअली. 800-900 टन गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट क्या होगा, भागेगा. इंडियन इकोनॉमी हैज बीन फेसिंग इंक्रीज्ड करंट अकाउंट डेफिसिट ड्यू टू इंपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड फ्यूल. द करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं तो इन दोनों का जो अंतर होता है उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं. अब आप सोचिए, अननेसेसरी एक प्रोडक्ट है गोल्ड, गोल्ड को रख करके आप क्या करते हैं, स्क्योर रख लेते हैं, उसको संचित कर लेते हैं. अगर आप इतना पैसा गोल्ड में ही खर्च कर रहे हैं तो स्वाभाविक है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा. और करंट अकाउंट डेफिसिट का बढ़ने का मतलब यह है कि आपके यहाँ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं होंगे, आपके यहाँ फॉरेन करेंसी का की कमी हो जाएगी, आपका इंपोर्ट प्रभावित होगा, और आपका सबसे बड़ा चीज है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको का कम होगा, और हमेशा एक्सचेंज रेट जो आपकी करेंसी का है वो बढ़ जाएगा. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज फाइनेंस कमीशन एनके सिंह कमेटी फॉर ए न्यू फिजिकल कंसोलिडेशन रोडमैप. ऑन मार्च 19, 2020 द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी अंडर श्री एनके सिंह इन ऑर्डर टू बिल्ड ए फिजिकल कंसोलिडेशन रोडमैप फॉर द सेंटर एंड इट सेट्स. The Finance Commission had submitted its first report to the Government of India on February 2020. The Commission will submit its final report covering the financial year 2020-21 by 2025-26. NK Singh Committee will recommend definition of deficit and debt. It will also define contingent liabilities and public sector undertakings. What is fiscal consolidation? Fiscal consolidation is the policy adopted by the government to reduce the deficit. It mainly aims to reduce administrative cost of the government. The Fiscal Responsibility and Budget Amendment Act 2013, जिसको आप FRBM Act कहते हैं, is the best example of fiscal consolidated measure of government of India. FRBM Act क्या था? The Act aimed to reduce fiscal deficit by 3% of GDP. It aimed to eliminate the deficit by 2006 by avoiding borrowings from RBI. However, it could not be achieved due to international financial crisis. Later, a review committee was set up in 2016 to suggest change of the act under N.K. Singh then as well. Next fact is, SIDBI launches Solomon Express to promote business aspirants. The train is to visit 11 entrepreneurial cities. This includes दिल्ली, जम्मू, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर एंड वाराणसी. ड्यूरिंग द पीरियड वेरियस वर्कशॉप्स एंड प्रोग्राम्स आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड. द ट्रेन हैज बीन लॉन्च्ड टू फुलफिल इंडियाज गोल ऑफ 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर बाय 2024 to 2025. दिस वॉज ऑल ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च करेंट अफेयर्स. I hope you will get a very nice material in this. Thank you very much for having the patience.